सूरतगढ़ आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा विधायकों, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आदि कार्यकर्ताओं की एक बैठक 11 जुलाई को पदमपुर में रखी गई थी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों व विधायकों के साथ वामपंथी दलों द्वारा तथा कथित संयुक्त मोर्चा के नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार एवं बदतमीजी की गई थी। इन नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग आज भाजपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में की है। देखिए सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की खास रिपोर्ट, स्केच न्यूज। पदमपुर के अंदर जो जिला बैठक थी कार्य समिति की, उसके अंदर आंदोलनकारियों ने, कॉमरेडों ने, ठीक सब उन लोगों ने हमारे विधायक बिहारी लाल जी, संतोष बावरी, माधव राम जी और हमारी जिला अध्यक्ष उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहुत ही बदतमीजी से पेश आए, कपड़े फाड़ दिए, महिला को हमारी जो अध्यक्षा थी उसको ज़मीन पे गिरा दिया और इसके चोट भी लगी है, और संतोष जी बावरी जो विधायक है उनको भी ज़मीन पे पटक दिया और 3-4 घंटे तक उनको रोड पर रोके रखा। बहुत ही घटना बड़ी निंदनीय है। तो हम सरकार से ये कहने के लिए आए हैं कि इस तरह की अगर घटना भविष्य में घटी तो जनता सहन नहीं करेगी, जिसका परिणाम आपके सामने जनता जनार्दन जो खड़ी है वो सहन नहीं करेगी। और मैंने ये कह दिया कि मैं प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसके मुताबिक ही चलूंगा, चाहे मुझे कोई मार दे, पीट ले, कूट ले, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा और अभद्र भाषा का भी प्रयोग नहीं करूंगा। विधायक जी, जो किसान समर्थक है उन्होंने आपको धमकी दी कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मुकदमा दर्ज करवाना मैं सोचता हूं, उनको बढ़ावा देना मैं उचित नहीं समझता। ये लोग जो है, जो धमकी देने वाले ये हैं, इनका मादा आपको भी पता है किस तरह के लोग हैं। अगर इनको लेकर के हम संघर्ष करने लग गए तो ये तो अपना इसी तरह से जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हमारा ही प्रचार प्रसार हो, इसलिए इस तरह की बेहुदा हरकत करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैंने मेरी एक बार टेलीफोन में कहा था कि इस तरह से विधायक नहीं बना जाता, विधायक बनने के रास्ते बहुत गहरे हैं। नहीं विधायक जी, उन्होंने कहा है कि